हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फॉसिल एंड द टाइप्स फॉसिल क्या होता है और फॉसिल के टाइप्स के क्या, क्या क्या होता है तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन फॉसिल कैन इंक्लूड एनीथिंग दैट गिव्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म फॉसिल क्या होता है तो फॉसिल में कुछ भी शामिल हो सकता है कुछ भी सामान हो सकता है जैसे कि जो क्या होता है जो प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज का आइडेंटिफिकेशन करवाता है मतलब पुराने जमाने के ऑर्गेनिज का जो पहचान कराता है उसको फॉसिल में इंक्लूड किया जाता है द लेटिन वर्ड फॉशिलियम मीन्स ड्रग्स आउट विच इन ईयरल टाइम्स यरलियर टाइम्स मेन टू इंक्लूड एनी ट्रेस ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट यूरिड एंड प्रिजर्व बाई नेचुरल कॉजेस क्या होता है कि एक होता है ना कि लेटिन वर्ड जो फैश फियम जो होता है वो लेटिन वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है तो उसका मतलब होता है खोदा हुआ जिसका पहले के समय में नेचुरल रीजन से दफन जानवर या फिर प्लांट के बॉडी का किसी भी किसी भी निशान को शामिल करना होता है जर्ज कर्वियर इन कंसिडर्ड फादर ऑफ पेरियंटोलॉजी हु स्टडी ऑफ फॉसिल साइंटिफिकली टू डेवलप फाइलोजेनेसिस जो जर्ज कर्वियर को क्या होता है कि इन्होंने मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ जॉर्ज कर्वियर को फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी कहा जाता है मतलब जो फॉसिल का जो अध्ययन जो बहुत अच्छी तरह से किया उनका फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी जॉर्ज कर्वियर को कहा जाता है ये आपका क्वेश्चन एम में भी पूछ सकता है और जिन्होंने क्या किया था जिन्होंने फॉसिल का स्टडी करके फाइलोजनी को डेवलप किया था टाइप्स टाइप्स ऑफ फसल बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फसल दे कैन बी कैटेगराइज इन सबरल टाइप्स दे आर अगर हम लोग फासिल के फार्मेशन के मोड पर अगर देखने जाए तो फॉसिल को कुछ इस तरीके से बांटा गया है फर्स्ट पैट्रीफेक्शन सेकेंड प्रिजर्वेशन ऑफ फुट प्रिंट थर्ड ब्यूरो एंड बोरिंग्स फोर्थ कॉप्रोलाइट्स फिफ्थ इंप्रेशन सिक्सथ मॉल्ड एंड कास्ट एंड सेवेंथ इन आइस पहले क्या होता है पेट्रीफिकेशन ये क्या होता है पेट्रीफिकेशन द पेट्रिफिकेशन इज़ मॉलिकल बाई मॉलिकल रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन पायराइट्स पैट्रिफिकेशन क्या होता है तो पैट्रिफिकेशन जो होता है एक तरह का इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मैटर होता है इनऑर्गेनिक मैटर द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के मॉलिकुल बाय मॉलिकूल क्या होता है रिप्लेसमेंट होता है जैसे कि सिलिका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आयरन पायराइट्स हो गया इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो सेल्स ऑफ मोलुश्का अर्थफोर्ड एंड फिश स्केलेटन जो फिश के स्केलेटन जो होते हैं मोलुशिका के स्केलेटन जो, जो होते हैं अर्थफोर्ड जो होते हैं उनके सेल्स इनका बेस्ट एग्जाम्पल है पैट्री का प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट वेन एनिमल वॉक ऑन वेट सॉइल एंड सेंट दे लीव ट्रायल ऑफ फुटप्रिंट और लिबलेस एनिमल एंड वॉम्स मे लिव ट्रैक एंड ट्रायल इन मड क्या होता है कि इस तरह का फॉसिल क्या होता है जब जानवर जो होता है एनिमल्स होता है गीली मिट्टी या फिर रेट पर जो चलता है तो उसका पैर पैर का निशान या फिर अंगे जानवर भी अपना निशान छोड़ कर चल जाता है इफ़ दिस फुट प्रिंट आर कवर्ड बाई वॉल्कैनिक एस दे कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर उस फिट प्रिंट को अगर वॉल्केनिक एस मतलब ज्वालामुखी का जो राग जो होता है उससे अगर हम लोग कवर करके रखें तो वो जो होता है वो बहुत लंबे टाइम तक हम लोग फ्रिजर्व करके मतलब होता है ना उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि ये किस चीज़ का फुट प्रिंट है एग्ज़ाम्पल मैरी लेके डिस्कवर्ड फुटप्रिंट ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन एलॉन्ग विथ डोज ऑफ जिराफ एलिफेंट ए टी सी इन कन्या इसका एग्जाम्पल क्या है तो इसका एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मैरी लेकी जो था उन्होंने क्या किया था कन्या में हाथी के हाथी गिनी मुर्गी हा, मतलब वो वो सब के साथ साथ प्री हिस्टोरिक मैन के पैरों के निशान का खोज किया था मतलब उनके फुट का खोज किया था मैरी लेकी ने कहाँ तो में उसके बाद ब्यूरो एंड बोरिंग्स एनिरीट वर्थफोड्स एंड मॉलिशो मेक ब्यूरो इन सॉइल और बोर तो हार्ड वुड रॉक एंड दीज आर एज अ टू फॉर्म रॉक इस तरीके का फसल क्या होता है जब जैसे इंसेक्ट में अर्थफोड हो गया मोलस्क मोलस्का जो हो गया मिट्टी में बिल बनाते हैं और ये क्या करता है एक हार्ड लकड़ी हार्ड वर्क हार्ड मतलब जैसे होता है ना कि हार्ड लकड़ी पे या फिर चट्टानों या फिर कॉरन में ये छेद करता है इन्हें संरक्षित किया जाता है क्योंकि मिट्टी चट्टान बनाने के लिए सख हो जाती है कोप्रोलाइट्स सम टाइम एक्सक्रेत्रा ऑफ एनिमल इज ब्यूरो एंड फासिलाइज्ड व्हिच गिव्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डाइट ऑफ एनिमल क्या होता है कि इस तरह का फासिल में क्या होता है कभी-कभी जो एनिमल्स के जो एक्सक्रेत्रा होते हैं एक्सक्रेत्रा मतलब उनके जो उनके मल मूत्र को दबा दिया जाता है और जीवाश्म बना दिया जाता है जो जानवरों के जानवरों के लिए एक आहार का संकेत देता है एग्जाम्पल कार्बनी फोरस नॉडुलर एक्सक्रेटर ऑफ सलामेंडर हैव बिन फाउंड इन यू एस ए इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है तो दक्षिण अमेरिका के जो समुद्र तट है उन तट में क्या होता है एक तरह से समुद्री पक्षियों के गुआओं के विशाल भंडार पाए गए हैं और इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जो यू में जो इलेनोसाइट्स हैं, वहाँ के सलामेंडर का कार, कार्बोनी फेरस क्या होता है कार्बनी फेरस जो होता है उस तरीके का वो मलमूत्र वहाँ पे पाया गया है उसके yeah. बाद है इम्प्रेशन इम्प्रेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स स्किन फिदर लिप्स इट आर फाउंड फैन दे आर प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द सॉफ्ट क्ले वि हार्ड एंड टू फॉर्म रॉक इस तरीके का फॉसिल में क्या होता है तो जो बॉडी के जो पार्ट्स है बॉडी के जो अंग होते हैं जैसे स्किन हो गया फीदर हो गया पंख हो गया पतिया हो गया आदि के निशान तब बनते हैं जब उन्हें नरम मिट्टी से जोर से दबाया जाता है जो बाद में कठोर होकर चट्टान बन जाती है इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो फासिल ऑफ आर्क्योपैट्रिक्स इज एन सचन इम्प्रेशन जो आर्क्योपैट्रिक का जो एग्जाम फासिल है वो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल देता है फासिल इम्प्रेशन का के बाद मॉल्ड एंड कार्ड्स मोल्ड आर फाउंड बाय हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल सराउंडिंग द बॉडी ऑफ एन एनिमल सच एज और लावा ऑफ ऑफ फ्लो इन द सी एंड ट्रैप इस तरह का को में क्या होता है तो जैसे किसी जानवर का जो शरीर के आसपास का सामग्री का सख्त होने से मोल्ड बनता है जैसे कि ज्वालामुखी राख हो गया लावा हो गया जो समुद्र में आता है मोलिश्यर और अर्थफूड को फंसाता है इन आइस आइस इज ए गुड प्रिजर्वेश सॉरी आइस इज एन गुड प्रिजर्वेटिव इवन ऑफ सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स इफ एनिमल आर ब्यूरो डीप इन स्नो दे आर दैट दे आर प्रिजर्व इंटायरली फॉर अ लॉन्ग टाइम इस तरीके का फॉसिल में क्या होता है तो वर्फ क्या करता है बॉडी के कोमल अंग को कोम मतलब होता सॉफ्ट ऑर्गन के लिए एक अच्छा प्रिजर्वेशन का काम करता है कि अगर जानवर को कभी ना कभी पिघलने वाली बर्फ में गहरे दबा अगर बर्फ में गहरे दबा दिया जाता है तो वो लंबे समय तक पूरी तरह से मतलब सुरक्षित होता है या प्रिजर्व करके प्रिजर्व रह, रह सकता है एग्जाम्पल फॉसिल ऑफ ओली मैमटोस एम ए डबल एम ओ टी एच फॉसिल ऑफ ओली वैम्टम फ्रॉम द पर फॉर फ्रॉस्ट इन दिवेरिया इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो जैसे इसका क्या होगा सिवेरिया में परमा परमा परमाफ्रोस्ट से ऊनी मैफन मैप मे, सॉरी सिवेरिया में परमा परमाफ्रोस्ट से यूनी यूनी ऊनी मैफ का जीवाश्म वर्फ में संरक्षण का एक उत्कृष्ट एक तरह का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका